हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम 2.6 कवर करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल्स टू 2, 2 के नीचे 1 लगा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 8x माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 8x माइनस 3, और 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6x। नाउ हम x की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और डिजिट्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 8x प्लस का 6x लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 3 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 3 हो जाएगा। नाउ 8x में से 6x जाएंगे तो बचेंगे 2x इक्वल्स टू 3। तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3/2। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9x अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल्स टू 15। इसमें भी हमें वही प्रोसेस करनी है, 9x 7 माइनस 6x 15, 15 के नीचे 1 लेके हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ 9x इंटू 1 इक्वल्स टू 9x, और 15 का हम इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 9x 15 इंटू 7 हो जाएंगे 105, और 15 इंटू 6 हो जाएंगे 90x। नाउ x की वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, 9x माइनस का 90 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का 90 हो जाएगा। सो प्लस 90x इक्वल्स टू 105, 90 और 9 हो जाएंगे 99x इक्वल्स टू 105। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 105 अपॉन 99। अब हम इसको कट कर लेते हैं, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 35/33। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है z प्लस 15 इक्वल्स टू 4/9। सो इसमें भी हमें यही प्रोसेस अप्लाई करनी है, z प्लस 15 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 का z में इंटू 9z हो जाएगा, और 4z प्लस 15, 9z इक्वल्स टू 4 का z में इंटू 4z, और 4 का 15 में इंटू आ जाएगा 60। नाउ z की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 9z प्लस का 4z लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 4z हो जाएगा इक्वल्स टू 60। 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5z इक्वल्स टू 60। नाउ z की वैल्यू निकाल लेते हैं, z इक्वल्स टू 60 अपॉन 5 कट कर लेते हैं, 5 1 5 5 1 5 बचा 1, 5 2 10। तो z की वैल्यू आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 4। 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 2/5। सो 3y प्लस 4 2 माइनस 6y
इक्वल्स टू माइनस टू बाय फाइव। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। सो फाइव थ्री वाई प्लस फोर इक्वल्स टू माइनस टू, टू माइनस सिक्स वाई। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, फाइव थ्री इज़ अ फिफ्टीन वाई, फाइव फोर इज़ अ ट्वेंटी इक्वल्स टू माइनस टू इंटू टू, टू टू इज़ अ फोर, माइनस माइनस प्लस, टू सिक्स अ ट्वेल्व वाई, देन 15y, 12y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो प्लस का 12y लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 12y हो जाएगा, देन माइनस 4, प्लस का 20 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 20 हो जाएगा, देन 15 में से 12y जाएंगे तो बचेंगे 3y, और माइनस 4 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 24। नाउ जो y की वैल्यू होगी वो होगी माइनस 24 बाय 3, 3 वन्स अ 3 और 3 एट्स अ 24, तो जो हमारी y की वैल्यू होगी वो होगी माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 5, 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4 बाय 3। सो 7y प्लस 4 y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4 बाय 3। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन 3 7y प्लस 4 माइनस 4 y प्लस 2, 3 सेवन्स आर 21y, 3 फोर्स आर 12 इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू y इक्वल्स टू माइनस 4y, माइनस प्लस माइनस 4 टू इज़ 8। नाउ 21y, 4y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 4y प्लस का 4y हो जाएगा माइनस 8, 12 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस का 12 वहाँ जाके माइनस का 12 हो जाएगा, देन 21 और 4 होते हैं 25y इक्वल्स टू माइनस 8 और माइनस 12 हो जाएंगे माइनस 20। सो y की वैल्यू होगी माइनस 20 अपॉन 25, 5 फोर इज़ 20, 5 फाइव इज़ 25, तो जो हमारी y की वैल्यू होगी वो होगी माइनस 4 बाय 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, 4 years later, 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4, find their present age। क्वेश्चन सेज जो हरी एंड हैरी हैं उनकी एजेस का रेशियो क्या है 5:7, और 4 years फ्रॉम नाउ अभी से 4 साल के बाद जो उनकी एजेस का रेशियो होगा वो होगा 3:4। सो लेट द एजेस of Hari and Harry be 5x years and 7x years। Now according to question, फाइव एक्स अपॉन सेवन एक्स आफ्टर 4 years मतलब 4 साल के बाद, तो प्लस 4 प्लस 4 उनकी एजेस का जो रेशियो होगा वो होगा 3:4, सो इक्वल्स टू 3:4।
नाउ अब हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले. सो 5 4 5x plus 4 then 3 7x plus 4 ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. 4 5 20x, 4 4 16, 3 7 21x, 3 4 12. नाउ x की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. 20x 21x प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 21x हो जाएगा. 12 प्लस का 16 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 16 हो जाएगा. प्लस का 16 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 16 हो जाएगा. देन 20 में से 21 जाएंगे तो बचेंगे माइनस एक्स, और 12 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे माइनस 4. माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 4. हेंस द एज ऑफ हैरी, द एज ऑफ हरी बी 5x. सो 5 × 4 इक्वल्स टू 20 years, एंड द एज ऑफ हैरी बी 7x. सो 7 × 4 इक्वल्स टू 28 years. क्वेश्चन नंबर 7. द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेन इज 3/2. फाइंड द रैशनल नंबर्स. क्वेश्चन सेज जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है. अगर हम न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं मतलब प्लस करते हैं और डिक्रीज करते हैं मतलब माइनस करते हैं, तो जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 3/2, और हमें रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है. लेट द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर बी 8x, देन द डिनोमिनेटर बी 8. क्वेश्चन में बोला गया था डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, सो x प्लस 8. देयरफोर जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो होगा x और x प्लस 8, x अपॉन x प्लस 8. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x x प्लस 8, क्वेश्चन में बोला गया था अगर हम न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज करते हैं मतलब प्लस करते हैं, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 1 से डिक्रीज होगा मतलब माइनस होगा, और जो हमारा आंसर आएगा उसके बाद वो आएगा 3/2. अब हम सॉल्व करते हैं. x प्लस 17, x
प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2x प्लस 17 इक्वल्स टू 3x प्लस 7। 2 का x में इंटू हो जाएगा 2x और 2 का 17 में इंटू हो जाएगा 34 इक्वल्स टू 3 का x में इंटू हो जाएगा 3x और 3 का 7 में इंटू हो जाएगा 21। नाउ x की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 2x प्लस का 3x लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 3x हो जाएगा 21 और प्लस का 34 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 34 हो जाएगा। देन 2x में से 3x जाएंगे तो बचेंगे माइनस x और 21 में से माइनस 34 जाएंगे तो बचेंगे माइनस 13। माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो हमारा x होगा वो होगा 13। हमें फाइंड क्या करना है, रैशनल नंबर। द रैशनल नंबर भी x प्लस 8, x आया हमारा 13, सो 13 प्लस 8 13 और 13 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21। हेंस आर रैशनल नंबर भी 13/21। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।